सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गैंगस्टर अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए यूपी पुलिस रविवार को साबरमती जेल पहुंची। पुलिस अतीक को सड़क के रास्ते से लेकर आएगी। इसमें 36 घंटे का समय लग सकता है। इससे पहले अतीक का मेडिकल टेस्ट भी किया जाएगा। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के मामले में अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ आरोपी है। अतीक अहमद जहां गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, तो वहीं अशरफ बरेली जेल में कैद है। सूत्रों के मुताबिक अतीक से पुलिस प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के मामले में पूछताछ करेगी। तारे माफिया अतीक अहमद पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। यूपी पुलिस गुजरात पहुंची हुई है अतीक अहमद को यूपी लाने के लिए। जानकारी के मुताबिक अभी कुछ ही देर में यूपी पुलिस अतीक अहमद को सड़क के रास्ते प्रयागराज लेकर निकलेगी। बता दें, पुलिस अतीक अहमद को सड़क के रास्ते से लेकर आएगी, जिसमें 36 घंटे का समय लग सकता है। इससे पहले अतीक का मेडिकल टेस्ट भी किया जाएगा। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु से जुड़ेंगे। विवांशु, अतीक अहमद को लाने के लिए यूपी पुलिस पहुंची हुई है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी, आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी और साथ ही साथ यूपी के गैंगस्टर अतीक अहमद से अब गुजरात के साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश लाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जेल में लाने की तैयारी है। आपको बता दें, पिछले कल उत्तर प्रदेश की पुलिस साबरमती जेल पहुंची है। इस समय के अंदर वो सड़क निवास से उत्तर प्रदेश में ले आएगी। आपको बता दें, लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी है और 1300 किलोमीटर दूरी के साथ अगर देखें तो अतीक अहमद जो की प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी उसका कहीं ना कहीं धाक है। कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौती भी है कि सड़क मार्ग से लाते हुए पूरी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। आपको बताया कि 1300 किलोमीटर तक सफर है, इसमें अन्य खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट किया गया है और अन्य जो प्रदेशों से होकर अतीक अहमद के जो ये पुलिस उनको लेके निकलेगी, वहां पे बात करें तो तमाम सुरक्षा के अलग प्रदेशों में भी व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि 28 मार्च को प्रयागराज कोर्ट में उमेश पाल के किडनैपिंग मामले में अतीक अहमद और उसके भाई का कहीं ना कहीं कोर्ट को तलब किया गया है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरह से बंदोबस्त कर दिया। सड़क मार्ग से किसी देर से आपकी गुजरात से जेल से लेकर अब उत्तर प्रदेश आएगी। आपको बताएं कि अगर बात की जाए तो आज उमेश पाल हत्याकांड के मामले में 31वां दिन है। वहीं अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की 22 टीमें लगभग 8 राज्यों में घूम कर तलाशी कर रही है। इसमें अगर बात की जाए तो अभी तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक का एनकाउंटर हो चुका है और एक को कहीं ना कहीं पुलिस अपनी गिरफ्त में ली। टोटल अगर बात की तो 2 एनकाउंटर हो गए हैं, मगर अभी तक पुलिस के हाथ संहिता पर भी लगी है, ना ही मुख्तार अंसारी के पुत्र है जो इस घटना में संलिप्त है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब जेल की शिफ्टिंग हो गई है, गुजरात के साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश की जेल प्रयागराज जाने की तैयारी है, इसको लेकर कहीं ना कहीं जहां खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट किया गया है और पुलिस ने पूरे काफिले में पूरे सुरक्षा के कड़े इंतजाम के साथ लगभग 1300 किलोमीटर की सफर के लिए। विवांशु, साबरमती जेल से अभी क्या कुछ हलचल की जानकारी सामने आ रही है? किन सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को लाया जाएगा? जी, अगर बात की जाए तो पूरी सुरक्षा के कड़े इंतजाम के साथ माफिया अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश की प्रयागराज जिले में लाया जाएगा, जहां 28 तारीख को कोर्ट के अंदर में एक उमेश पाल अपहरण कांड में मामले की सुनवाई है, इससे पेश किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बताएं कि मामले को लेकर अतीक अहमद के भाई असद को भी बरेली जेल से लाने की तैयारी है। माना जा रहा है कि 28 मार्च को जो कोर्ट में सुनवाई होगी, इससे अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ, जो की मुख्य रूप से 2006 में जो अपहरण हुआ था, इसमें मुख्य आरोपी है, इन दोनों को प्रस्तुत किया जाएगा। आपको बताएं कि अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी के जो यातना का कमरा था में मुख्तार अंसारी का कमरा था, जहां वो जिससे पकड़ता था उसे यातना देता था, इलेक्ट्रिक शॉक देता था।
था, उस जगह पे भी पुलिस पूरी छानबीन कर रही है और लगातार वहां से अगर बात करें तो तमाम दस्तावेज निकले हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां एक तरफ उमेश पाल अपहरण के बाद उमेश पाल हत्याकांड है, इसको भी लेकर कई पूछताछ भी की जा सकती है। साथ ही आपको बताएं कि जब यह हत्याकांड हुआ तो कहा गया लगभग द्वारा किया गया था, तो इससे जुड़े सवालों को भी अतीक अहमद से पूछा जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां एक तरफ अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश लाने की तैयारी है, वहीं कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में और गली मोहल्लों में कहीं ना कहीं स्ट्रोक भी हो चुका है कि अतीक अहमद का एनकाउंटर भी हो सकता है, मगर इस बात का कहना साफ नहीं होगा, सब गाइड कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी, माना जा रहा है कि 36 से लगभग 40 घंटे उत्तर प्रदेश लाने में लगेगा। अब विवांशु, यूपी पुलिस पूरी तैयारी में अतीक अहमद को यूपी लाने के लिए, वहीं अतीक अहमद के परिजनों ने गाड़ी पलटने की आशंका जताई है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि अतीक अहमद के तमाम जो संबंधी हैं, वो इस बात की आशंका जता रहे हैं कि अतीक अहमद के साथ कुछ गलत हो सकता है, अनैतिक हो सकता है। जैसे हम बात करें, एक तरफ उमेश पाल की पत्नी का बयान आ रहा है कि जो भी मेरे पति को याचना दिया है, इससे मुख्यमंत्री अपहरण हुआ, उसके बाद उनका हत्या हुआ, उनकी पत्नी का साफ तौर से मुख्यमंत्री को गुहार है कि मेरे पति की हत्या करने वालों के साथ सजा दी जाए और मैं इससे खुश रहूंगी। जी विवांशु, जैसा अभी आपने बताया अतीक अहमद को लेकर सियासत भी तेज हो गई है, वहीं आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें उनसे अतीक अहमद को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि सीएम ने मंत्रियों को पहले ही बता दिया होगा कि गाड़ी पलट जाएगी, इसलिए मंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं। जी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता JPS राठौर की तरफ से एक बयान दिया गया है, आज कहा गया है कि अतीक अहमद की गाड़ी पलट सकती है। अखिलेश यादव पलटवार करते हुए कैसे नजर आते हैं नहीं आया है। आशंका लगाई जा रही है कि जो आरोपी है वो नेपाल या उत्तराखंड में जाके शरण ले चुके हैं, ये खुफिया एजेंसियों का कहना है। मगर कहीं ना कहीं जो तमाम चार आरोप का देखिए हत्याकांड में अतीक अहमद के संहिता पत्नी को मुख्य आरोपी बनाया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश लाया जाता है, साथ ही साथ उसके भाई असद को लाया जाता है, तो क्या नए खुलासे होते हैं और उमेश पाल हत्याकांड में कैसे पुलिस को इसमें इन दोनों आरोपियों से कैसे उन्हें मदद मिलेगी, वो आने वाला समय बताएंगे। जी विवांशु, जब अतीक अहमद की गाड़ी पलटने को लेकर यूपी के DGP से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि गाड़ी नहीं पलटती, अपराधी पलटते हैं। निश्चित तौर पर देखा जाए तो आप अगर विकास दुबे गाड़ी से भागने लगा, जिसके बाद उस पर गोली चलाई गई। इसको कहीं ना कहीं तमाम सियासी घमासान इसको लेकर हुआ कि अतीक विजय विकास दुबे की गाड़ी कहीं पलटी थी और पलटाया गया था, इसको लेकर कहीं ना कहीं जांच का विषय है और इसको पुलिस अब अपना स्पष्टीकरण दे चुकी है कि गाड़ी पलटी थी और इसको पूरी क्राइम हैपन करके एक बार प्रूफ भी किया जा चुका है। तो बात यह होगी कि जहां विकास दुबे के एनकाउंटर में कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए थे तो उसको जोड़कर अब अतीक अहमद से भी सवाल किया जा रहा है।
विवांशु, कब तक निकल सकती है यूपी पुलिस अतीक अहमद को लेकर, क्या इसकी कोई जानकारी है? जी बिल्कुल, आपने बताया कि एक ऑपरेशन के तहत चलाया जा रहा है, स्पष्टीकरण की अगर आप पूरी देखी दी जाएगी। अभी अगर फिलहाल में बात करें, जब पुलिस की दो टीमें तमाम लैस सुरक्षा की लैस गाड़ियों से आपके साबरमती जेल पहुंची हुई है और वहां से अब बेसिक फॉर्मेलिटी के बाद माना जा रहा है कि अतीक अहमद को वहां से उत्तर प्रदेश पुलिस लेकर प्रयागराज पहुंचेगी। लगभग माना जा रहा है कि 36 से 40 घंटे सड़क मार्ग से आने में लगेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी, जहां एक तरफ पूरे प्रदेश धरती निगाह है, आज स्थिति हुई है, अब कब उत्तर प्रदेश पुलिस साबरमती जेल से अतीक अहमद को लेकर बाहर निकलती है उत्तर प्रदेश के लिए, वो जल्द ही सामने होगा। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। बता दें गैंगस्टर अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए यूपी पुलिस साबरमती जेल पहुंची हुई है और पुलिस अतीक को सड़क के रास्ते से लेकर आएगी, जिसमें 36 घंटे का समय लग सकता है। यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। साथ ही तीनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नई टीम को लेकर बातचीत की। तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी नई टीम की घोषणा की है। साथ ही पार्टी की तरफ से संगठन के 18 प्रदेश उपाध्यक्ष, 7 महामंत्री और सभी 6 क्षेत्रों के अध्यक्षों की घोषणा की गई। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जारी सूची में योगी सरकार में मंत्री बने जेपीएस राठौर, एके शर्मा और दयाशंकर सिंह की जगह दोनों चेहरों को मौका दिया गया। बता दें बीजेपी की नई टीम घोषित हो गई है, जिसकी सूची भी जारी हो गई है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बता दें कि बीजेपी ने पुरानों पर भरोसा जताया है, 2024 से पहले बीजेपी का ये बड़ा ऐलान है। बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नई टीम का ऐलान कर दिया है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है, कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करते हुए नजर आ रही है। बीजेपी ने नई टीम की घोषणा कर दी है, क्या कुछ जानकारी? मजबूत और साथ ही साथ प्रचार प्रसार में लगी हुई है। उसकी कहीं ना कहीं देखें तो लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, जिसके बाद अटकलें भी थी, कहीं ना कहीं आशंकाएं लगाई जाने लगी कि प्रदेश के अंदर में जो रिक्त पद है संगठन के अंदर में, या जिनके समय सीमा पूरे हो चुके हैं और नई टीमों का ऐलान हो सकता है। आपने बताया कि कल देर रात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से एक सूची जारी होती है, 45 लोगों की सूची जारी होती है, जिसमें अगर बात करें तो 18 उपाध्यक्ष और साथ ही साथ 7 महामंत्री समेत 45 पदों पर नामों के ऐलान होता है। इसमें अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जैसे अगर देखें तो अगर 2017 से और 2022 का जो सत्र था, कहीं ना कहीं 13 प्रदेश उपाध्यक्षों को
चयन की थी, लगभग उसमें 5 सीटों का इजाफा करते हुए अब बीजेपी 18 उपाध्यक्षों के साथ चुनाव में नजर आएगी। आपको बताएं कि अगर देखा जाए तो इसमें तमाम नेताओं को जगह दी गई है। अभी आपने देखा कि विशिष्ट अधिकार के हनन के मामले में सुर्खियों में आए सलील बिश्नोई, जो की कहीं ना कहीं विधान परिषद के सदस्य है, उन्हें उपाध्यक्ष का जिम्मा मिला है। साथ ही साथ राजनाथ सिंह के पुत्र और नोएडा से दूसरी मर्तबा के विधायक पंकज सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। वही अगर बात की जाए कैसे 18 नामों को प्रदेश अध्यक्ष के सूची में रखी गई है, वही 7 मंत्रियों के भी प्रदेश महामंत्रियों के भी नामों का ऐलान हुआ है। अगर बात करें तो जेपीएस राठौर और साथ ही साथ सरकार मंत्री शंकर सिंह, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा समेत तमाम जो नेता है उनको लिस्ट से बाहर रखा गया है। उनके पास कहीं ना कहीं प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी थी। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसके मुताबिक बीजेपी के अंदर में एक नेता 2 पदों पे नहीं रह सकता। इसके वजह से इन तीनों नेताओं को कहीं ना कहीं सूची से बाहर रखा गया है। अगर बात करें मयूरी तो श्री प्रकाश पाल क्षेत्रीय अध्यक्ष कानपुर को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही साथ अगर देखें तो दिलीप पटेल को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि वाराणसी से है। तो अलग अलग क्षेत्रों के क्षेत्रीय अध्यक्षों का ऐलान हुआ है। उसके ठीक बाद अगर बात करें तो श्री शंकर गिरी को प्रदेश महामंत्री वाराणसी बनाया गया है, वाराणसी से आते हैं और इन्हें प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो 45 नामों का ऐलान हुआ है और इसे कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर में हाल में ही निकाय चुनाव है। माना जा रहा है कि मई से जून तक निकाय चुनाव पर ऐलान चुनाव हो सकता है, जल्द ही चुनाव का ऐलान भी हो सकता है। उसके ठीक बाद उत्तर प्रदेश के अंदर में निकाय चुनाव के ठीक बाद देश के अंदर में लोकसभा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 के तहत अपने नए पदाधिकारियों के साथ मिशन 80 के तहत एक बार फिर देश के अंदर में सत्ता पाने की तरफ जाएगी। अगर आपको बताएं तो इसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए जहां समाजवादी पार्टी अपना सम्मेलन कर रही है, अन्य अन्य प्रदेशों में तमाम दलों के नेताओं को उनकी जिम्मेदारियों को तय किया जा रहा है कि 2024 का जो कहीं ना कहीं कुर्सी है उसको पक्ष या विपक्ष दोनों पूरी मेहनत के साथ लेने की तैयारी है। विवांशु देखिए तो भारतीय जनता पार्टी संगठन को तो मजबूत कर ही रही है, साथ में बूथों को भी मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है, जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भी है। बिल्कुल, आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी अपने कई सारे अभियानों को प्रदेश के अंदर में चला रही है, देश के अंदर में चला रही है। अगर बात करें तो बूथ अध्यक्ष से लेकर पटना प्रमुख एवं तमाम ऐसे पदों को ग्राउंड लेवल पे बनाकर उस पे लोगों को आश्वित करके जिम्मेदारियां तय की जा रही है। इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 2019 और 2014 में भी लाभ हुआ था। अगर बात करें तो आज प्रदेश के अंदर में 6 सालों से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वही लगभग 9 सालों से बीजेपी की केंद्र में सरकार है। अगर विपक्षी दलों की बात करें तो हाल फिलहाल में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की अगुवाई में निकला, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी अपने सीटों का इजाफा की विधानसभा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी एक चुनौती है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों वाली लोकसभा क्षेत्र से एक मजबूत मार्जिन के साथ यहां से जीते, सत्ता में आ सके। क्योंकि विपक्ष भी पूरी तरह से यहां पर अगर देखें उत्तर प्रदेश के अंदर में तो पूरी जो मेहनत कर रहा है और पूरी चुनौती से कहीं ना कहीं एक टक्कर भी देखने को मिल सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि निकाय चुनाव में जो नए पदों पर नए नामों का ऐलान हुआ है उससे क्या बदलाव आता है वो आने वाला समय बताएगा। मगर इन पदों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अलग अलग क्षेत्रों में उपाध्यक्षों को भेजकर अब कई ऐसे कार्यक्रम बनाने के भी उनकी सूची में है। आने वाले दिनों में प्रदेश उपाध्यक्षों की अगुवाई में अलग अलग मंडलों में कार्यक्रम करने की भी तैयारी में है, जिससे लोकसभा और निकाय चुनाव को भेज सका जाए। जी धन्यवाद विवांशु हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। प्रदेश में भाजपा की नई टीमों का ऐलान हुआ है। बाराबंकी से बड़ी खबर सामने आ रही है, कई नए चेहरों को भाजपा में जगह मिली है। पूर्व सांसद प्रियंका सिंह रावत को दोबारा बीजेपी प्रदेश महामंत्री बनाया गया है, बड़ी खबर। आपको बता रहे हैं संगठन में फिर से बड़ी जिम्मेदारी मिलने से समर्थकों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रदेश में भाजपा की नई टीमों का ऐलान हुआ है, बाराबंकी से खबर सामने आ रही है, जहां कई नए चेहरों को भाजपा में जगह दी गई है। पूर्व
पूर्व सांसद प्रियंका सिंह रावत को दोबारा बीजेपी प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। वहीं संगठन में फिर से बड़ी जिम्मेदारी मिलने से समर्थकों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। फरार यजदान बिल्डर पर लखनऊ पुलिस का एक्शन, बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां फरार यजदान बिल्डर की बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा किया गया है। डालीगंज जलाया होम बिल्डिंग पर चिपकाई गई कुर्की की नोटिस, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फरार यजदान बिल्डर पर लखनऊ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां फरार यजदान बिल्डर की बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा किया गया है। डालीबाग जलाया होम बिल्डिंग पर चिपकाई गई कुर्की की नोटिस। डुगडुगी पीट कर हजरतगंज पुलिस ने फरार यजदान बिल्डर पर पुलिस का एक्शन हुआ है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने 520 मोबाइल वेटरनरी का दिया है, सीएम योगी ने मोबाइल वेटरनरी यूनिट रवाना की है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम ने 75 मोबाइल यूनिट को हरी झंडी दिखाई है। बाकी जनपदों में सांसद विधायक फ्लैग ऑफ करेंगे। सीएम ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1962 भी जारी किया। पशुधन संरक्षण के लिए नए अध्याय की शुरुआत, पशुपालकों को उनके द्वार पर मिलेगी सुविधा। लोहा चोरी के आरोप में युवक को तालिबानी सजा मिली है, कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। पीएनसी कंपनी के कर्मचारियों ने युवक को तालिबानी सजा दी है। जीटी रोड पर पीएनसी के द्वार चल रहा है निर्माण कार्य। बिठूर थाना क्षेत्र के मंथना चौराहे का पूरा मामला है। भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी हुआ है। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, नेपाल भागने की फिराक में है अमृतपाल। खुफिया विभाग से जानकारी के बाद अलर्ट जारी किया गया है, बड़ी खबर आपको बता रही है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी बढ़ाई गई है। गौरीफंटा थाना क्षेत्र से सीमा पर की जा रही चेकिंग। भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी हुआ है, बड़ी खबर आपको लखीमपुर खीरी से बता रही है। नेपाल भागने की फिराक में है अमृतपाल, जिसको लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।